नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं उलग शर्मा। आईपीएल 2023 के दूसरे क्वालिफायर में मुंबई और गुजरात का मुकाबला हुआ। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी की, हालांकि टॉस जीता था किसने, पहले मुंबई ने जीता, लेकिन पहले फैसला किया गेंदबाजी का। ओपनिंग के लिए आए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। साहा का विकेट बहुत जल्दी गिर गया, लेकिन शुभमन गिल जिसने जीता है हर किसी का दिल। एक बार फिर से तूफानी पारी खेलते हुए इन्होंने अपने आईपीएल करियर का 30वां शतक लगा लिया है। और खास बात यह है, ये तीनों जो शतक आए हैं इसी सीजन आए हैं, इसी साल आए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस बल्लेबाज ने केवल 49 गेंद पर शतक ठोका, जिसमें 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के भी थे, यानी कि 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। और शुभमन गिल अब बन गए हैं ऑरेंज कैप होल्डर, मतलब अब ऑरेंज कैप की रेस में वो सबसे आगे हैं। और अब उनको कोई टॉप से या नंबर वन के पायदान से कोई हरा पाएगा ये बहुत मुश्किल है, या कहें कि इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि जो दूसरे नंबर पर है फाफ डुप्लेसिस, वो अब यानी उनकी टीम अब हो चुकी है बाहर, आरसीबी। तो अब उनके पास यानी कि शुभमन गिल के पास ये खिताब काफ़ी सेफ है। अब शुभमन गिल की इस पारी की बात करें तो देखिए, ये पारी इनकी बहुत खास रही, क्योंकि प्लेऑफ था, क्वालिफायर था और करो या मरो का मैच था। सभी को पता था जो टीम जीतेगी जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगा, लेकिन शुभमन गिल की कोशिश की आपको दाद देनी होगी, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किसे किया, जो पिछले मैचेस के हीरो थे मुंबई इंडियंस के लिए, आकाश मधवाल को उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने टारगेट किया पीयूष चावला को। इन दोनों गेंदबाजों को सेट होने ही नहीं दिया और बाकी गेंदबाजों की वो दुनाई करते ही रहे। हालांकि दो फेस में ये पारी आई है गिल की, शुरुआत में सेट होने के लिए उन्होंने टाइम भी लिया, गेंद भी ली, कुछ डॉट गेंद भी खेली, लेकिन जब एक बार आंखें पूरी सेट हो गई, स्कोर 30 के पार चला गया, तो इसके बाद तो जब कुछ नहीं हुआ, बस हुई तो बाउंड्रीज की बारिश, चौके छक्कों की बारिश हुई है। शुभमन गिल की पारी का बात करें, कोई इलाज नहीं था उनका, कोई चारा नहीं था उनका विकेट लेने का। सारे के सारे मुंबई के जो तेज गेंदबाज हो, स्पिनर हो, सब नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन शुभमन गिल ने एक बार फिर से दिल जीत लिया है और मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का 30वां शतक लगाया है। तो मुंबई इंडियंस के लिए आप क्या कहेंगे, खराब गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे और शुभमन गिल के शतक के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।